नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप सभी अवगत हैं हमारी विशेष श्रृंखला हिंदी कहानी के अंतर्गत आज हम एक नई कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। कहानी का नाम है घुसपैठिए। ये श्री ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी है और मित्रों बताना चाहेंगे इस सेशन के माध्यम से हम यही कोशिश करेंगे, पहले हम चर्चा करें श्री ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में और उसके उपरांत हम घुसपैठिए इस कहानी पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इस व्याख्यान के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रुचिरा ढिंगरा। डॉक्टर रुचिरा ढिंगरा, आप बताना चाहेंगे कि ऐसी सुविख्यात हिंदी की प्रोफेसर हैं जो सीसी के लाइव व्याख्यानों के माध्यम से आप सभी को विभिन्न विषयों से अवगत करती हैं। आप बतौर एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं शिवाजी कॉलेज के हिंदी विभाग में और आपके प्रयास छात्र छात्राओं को सदैव लाभान्वित करने के सफल रहते हैं और सीसी के लाइव व्याख्यानों द्वारा, जैसा कि हम बता चुके हैं, आपके जो प्रयास हैं वो सुदृढ़ साबित हो रहे हैं, सफल साबित हो रहे हैं। मित्रों, अगर आज के लाइव व्याख्यान के माध्यम से आप डॉक्टर रुचिरा ढिंगरा से प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे टोल फ्री नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-110-430। नंबर पुनः नोट करें 1800-110-430। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर रुचिरा ढिंगरा का। डॉक्टर ढिंगरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कीतिका जी। वर्तमान परिपेक्ष में दलित साहित्य के जिन रचनाकारों को हम समादर की दृष्टि से देखते हैं उनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि का नाम समादर से लिया जाता है। ये प्रतिष्ठित रचनाकार हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में दलित वर्ग के व्यक्ति किस प्रकार से द्वयम स्थिति का सामना करते हैं, पीड़ा का अनुभव करते हैं, उसका यथार्थ अंकन किया है। 30 जनवरी 1950 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलरा गांव के मुजफ्फरनगर ज़िले में इनका जन्म एक वाल्मीकि परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम छोटन लाल था और इनकी माता मुकुंदी देवी थीं, जिन्हें लोग प्यार से खजूरी वाली कहकर पुकारते थे। इन्होंने अपनी आत्मकथा झूठन में लिखा है कि छोटन लाल के 5 लड़के 2 लड़कियां थीं। सुखबीर सबसे बड़े पुत्र थे, उसके बाद जगदीश, उससे छोटे जसबीर, फिर जनेसर और उनसे छोटा ओम प्रकाश यानी मैं, मुझसे छोटी माया। इस प्रकार से उन्होंने झूठन आत्मकथा में एक प्रकार से अपनी वंशावली प्रस्तुत की है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का क्योंकि संबंध समाज की मुख्य धारा से कटे हुए वंचित जाति से था, इसलिए शुरू से ही इन्होंने उपेक्षा सहन की। अवमाननापूर्ण जीवन जीने के साथ साथ इन्होंने बचपन में ही समझ लिया था कि चाहे इस समाज का कोई भी व्यक्ति कितना भी मेधावी क्यों ना हो, समाज उसकी उपेक्षा करेगा। घोर आर्थिक संघर्ष का सामना करते हुए, सामाजिक और मानसिक कष्टों को निरंतर सहते हुए इनका बचपन बीता। इन्होंने ये भी बताया है कि किस प्रकार से जहाँ ये रहते थे वो पूरा का पूरा वातावरण गंदगी से भरा हुआ था। सुअर जैसे पशु निरंतर इधर उधर घूमते रहते थे, हर जगह कूड़ा करकट था, बदबू आती थी और ऐसी जगह पर इन्हें अपने परिवार के साथ रहने के लिए बाध्य होना पड़ा था। तंग गलियां, नंग धड़ंग बच्चे, यही इनका बचपन था। इतना ही नहीं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब ये स्कूल जाने की उम्र के हुए तब भी इन्हें दुभात का सामना करना पड़ा। किसी तरह इनके अभिभावकों ने इन्हें 10वीं तक की शिक्षा दिलवाई, किंतु वहाँ पर भी इनके साथ द्वयम व्यवहार किया जाता था। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से इनके स्कूल के शिक्षक
ना केवल इनसे झाड़ू लगवाते थे अपितु इनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग भी करते थे। और जब कभी ये स्वाभिमान से भरकर उसका विरोध करते थे, उसके लिए कहते थे कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी अन्य छात्र छात्राओं की तरह आप इज्जत दें, तो इन पर लात घूसों का प्रयोग किया जाता था, इन्हें डंडे मारे जाते थे और इन्हें दंड दिया जाता था। किसी तरह इन्होंने अपने गांव बरला के इंटर कॉलेज से 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। उसके पश्चात 12वीं कक्षा में इनके अध्यापकों ने इनके स्वाभिमान के कारण इनको फेल कर दिया और इन्हें ये बताने का प्रयास किया कि तुम एक विशेष समाज से संबंध रखते हो, इसलिए तुम्हें समाज के द्वारा बनाए गए नियमों को अनिवार्य रूप से मानना पड़ेगा, तुम्हें हमेशा आंखें नीची करके ही बात करनी होगी। इसके पश्चात इन्होंने देहरादून के डीएवी इंटर कॉलेज में प्रवेश लिया। गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर से हिंदी में एमए करने के उपरांत ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपनी रचनाओं को लिखने का प्रयास किया। यहाँ पर ये बात रेखांकित करना आवश्यक हो जाता है कि कोई भी लेखक अपने समाज से, परिवार से, अपने वातावरण से कटकर साहित्य सृजन नहीं कर सकता, इसलिए इनकी रचनाओं में हमें तद्युगीन परिवेश, जिस वातावरण में ये रहने के लिए बाध्य हुए, उसकी स्पष्ट छवि दिखाई देती है। इन्होंने उस समय भीमराव अंबेडकर की रचनाओं से प्रभाव लिया और इनकी रचनाओं पर उसका स्पष्ट प्रभाव भी हमें दिखाई देता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि शुरू से ही अपने लिए कुछ नियमों का पालन करते थे। समाज की बंधी बंधाई लीक पर चलना उन्हें स्वीकार्य नहीं था। कह सकते हैं कि ये शुरू से ही क्रांतिकारी विचारों के व्यक्ति थे और इसीलिए इन्होंने अपने भाई और मामा द्वारा तय किए गए संबंध को स्वीकार करने से पूर्व लड़की से मिलना अनिवार्य माना, क्योंकि इनका मानना था कि जब तक दो व्यक्ति आपस में मिलकर अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं करते, एक दूसरे के विचारों से सहमत नहीं होते, तब तक उन्हें वैवाहिक संबंध में नहीं बंधना चाहिए, क्योंकि ये संबंध एक या दो दिन का नहीं होता, जीवन पर्यंत का संबंध होता है। किंतु दुर्भाग्य से लड़की वालों ने इनकी बात को स्वीकार नहीं किया और तब वाल्मीकि जी ने उस संबंध को तोड़ दिया और स्वर्णलता भाभी की छोटी बहन चंद्रकला से विवाह कर लिया। चंद्रकला इनके स्वभाव के अनुकूल रहीं और जीवन पर्यंत वाल्मीकि जी के सुख दुख में उनकी सहभागिनी रहीं। एक तरह से कह सकते हैं कि दाम्पत्य जीवन के संबंध में वाल्मीकि जी का जो दृष्टिकोण था वो निश्चित रूप में आधुनिक था और ऐसा ही दृष्टिकोण होना भी चाहिए। वाल्मीकि जी समाज में सदियों से चली आ रही भेदभाव की प्रथा को निरंतर बचपन से सहते चले आ रहे थे, ना केवल स्कूल कॉलेज में अपितु जब वो समाज में अपनी बात को रखते थे, अपने परिवार में अपनी बात को रखते थे, तब भी उन्हें कई बार अजीब सा व्यवहार सहना पड़ता था। अपने बचपन के विषय में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से एक बार जब उन्होंने अपने गुरु से द्रोणाचार्य और दलितों की दरिद्रता की तुलना करने का दुस्साहस किया, तब उन्हें पुरस्कार रूप में उनकी पीठ पर पूरा का पूरा महाकाव्य ही गुरु ने अंकित कर दिया, जिसकी स्पष्ट रेखाएं उन्हें अपने जीवन में बाद में भी अपने
पीठ पर दिखाई देने लगीं। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, भूख और असहाय जीवन के घृणित क्षणों में सामंती सोच का यह महाकाव्य मेरी पीठ पर ही नहीं, मेरे मस्तिष्क के रेशे रेशे पर अंकित है। वाल्मीकि जी के परिवार के सदस्य तगाओं के घर पर मजदूरी किया करते थे। उनके मवेशियों को बांधने की जगह की साफ सफाई का पूरा उत्तरदायित्व भी इस परिवार के सदस्यों पर ही था। इतना ही नहीं, उत्सवों इत्यादि पर वाल्मीकि जी अपनी माता के साथ उन परिवारों में जूठन लेने के लिए जाते थे और अपमानित अनुभव करते थे। उन्हें लगता था कि क्या उनके परिवार की ये विडंबना है कि उन्हें खाने के लिए लोगों की जूठन पर निर्भर होना पड़ता है। ऐसे ही एक दृश्य का अंकन करते समय उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब उनकी माता ने सुखदेव बाबू के घर से जूठन ले जाने के उपरांत उनसे आग्रह किया कि मेरे बच्चों के लिए थोड़ा सा अच्छा खाना भी दे दीजिए, तो उन्होंने तमक कर कहा, टोकरा भर तो जूठन ले जा रही है दी, ऊपर से जाकतों के लिए खाना मांग रही है, अपनी औकात में रहे चूहड़ी, उठा टोकरा दरवाजे से और चलती बन। इस प्रकार से अपमानित होकर वाल्मीकि जी वहाँ से चले तो गए, किंतु कालांतर में भी ये जो शब्द थे उनके कानों में जब तब आते रहते थे और उन्हें परेशान करते रहते थे। ऐसे में वाल्मीकि जी ने उस समय के प्रतिष्ठित रचनाकारों की रचनाओं को पढ़ना शुरू किया, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक व्यक्ति पढ़ता है, लिखता है, उसके अंदर सत विचार आने लगते हैं। यदि आपको समाज को बदलना है, अपने आप को बदलना है, तो व्यक्ति को शिक्षित होना ज़रूरी होगा। और इसलिए उन्होंने शरदचंद्र, प्रेमचंद और रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ना, मनन करना, समझना शुरू किया। उस समय बाबा साहब अंबेडकर के साहित्य ने वाल्मीकि जी पर अपना विशेष प्रभाव अंकित किया। वाल्मीकि जी मानते थे कि मुख्य धारा से अलग किए जाने वाले वंचित लोगों को समझाना इतना आसान नहीं है, किंतु स्वयं क्योंकि उन्होंने उस समाज में रहकर उस समाज की विडंबनाओं को, पीड़ा को, संतरास को, करुणा को सहा था, इसलिए जब उन्होंने लिखना प्रारंभ किया तो उनके साहित्य को खुले हाथों से स्वीकार किया गया, क्योंकि ये साहित्य किसी ड्राइंग रूम में बैठकर केवल कल्पना के माध्यम से लिखा गया साहित्य नहीं था, अपितु ये वास्तविक यथा जीवन में भोगा हुआ वो सत्य था जो उन्होंने अपने पाठकों के सामने लाने का प्रयास किया था। इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेघदूत नाट्य संस्था की स्थापना की। इसमें विभिन्न नाटकों के माध्यम से इन्होंने समाज में चूहड़ा जाति के और वंचित जाति के जो लोग हैं उनकी विडंबनाओं को, उनकी समस्याओं को समाज के सामने रखने का प्रयास किया। वाल्मीकि जी ने स्वयं इन नाटकों में अविस्मरणीय भूमिकाएं निभाई। इतना ही नहीं, वाल्मीकि जी ने यह भी बताने की कोशिश की है कि ये वो समाज है जहाँ पर पत्थर, पेड़, पशु, पक्षी सभी में हम कहीं ना कहीं से ईश्वरीय देन या ईश्वरीय सत्ता का आभास कर लेते हैं, उन्हें पूछने लगते हैं, किंतु विडंबना ये है कि इसी समाज में रहने वाला एक समाज ऐसा भी है जिसको हम
अपृश्य मानते हैं, छूने योग्य नहीं मानते, अपने साथ बैठने योग्य नहीं मानते हैं। हम कुत्ते, बिल्ली, गाय इत्यादि को छूना पाप नहीं समझते, किंतु विडम्बना कितनी गहरी है कि हम एक जाति विशेष को हम अपने साथ बैठना गवारा नहीं करते हैं। और इसीलिए आज भी यदि हम देखें तो कहीं पर भी स्थितियों में बहुत ज़्यादा विशेष अंतर हमें दिखाई नहीं देता। और जिस प्रकार की टकराहट, जिस प्रकार का मलोमालिन्य हमें समाज में दिखाई देता है, जिससे सवर्ण और वंचित समाज के लोगों में एक रेखा, एक अलगाव की स्थिति निरंतर दिखाई दे रही है, उसे भीमराव अंबेडकर भी कहीं ना कहीं पाट नहीं पाए। इन्होंने ये भी अपनी आत्मकथा में बताया है कि किस प्रकार से भूख लगने पर इनके परिवार को चावल उबालने के बाद जो माड़ वस्तुतः फेंक दी जाती है, उसको पीकर ही अपनी क्षुधा को शांत करना पड़ता था। ऐसे समाज में रहकर, ऐसे परिवार में रहकर सवर्णों के प्रति एक आक्रोश का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। काल प्रवाह के साथ साथ दलित साहित्य हिंदी समाज का, हिंदी साहित्य का एक अविभाज्य अंग बन गया। कौशल्या वैश्वी, स्वराज सिंह बेचैन, मोहनदास नेमिश्राय, ओम प्रकाश वाल्मीकि आदि ने इस साहित्य को उभारने में प्रमुख भूमिका का निर्वाह किया। ओम प्रकाश वाल्मीकि देहरादून स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए। 63 वर्ष की आयु में 17 नवंबर 2013 को ओम प्रकाश वाल्मीकि का पार्थिव शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया। यदि हम इनकी साहित्य सृजन के विषय में दृष्टिपात करें, साहित्य साधना के विषय में बात करें, तो इन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं में स्वतंत्र लेखन करके अपने पाठकों को ऐसा अमूल्य साहित्य उपलब्ध कराया जिससे सदियों तक इनका नाम साहित्य इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कविता संग्रहों में सदियों का संताप संग्रह में आक्रोश, विद्रोह, आग्रह, आक्रमकता और दलित जीवन संघर्ष की पृष्ठभूमि और वेदनाओं को उभारा गया है। बस बहुत हो चुका का कविता संग्रह इन समाज के जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं के साथ साथ इनके अंदर जीने की अदम्य इच्छा शक्ति को भी हमारे सामने उपस्थित करती है कि किस प्रकार से ओम प्रकाश वाल्मीकि के अंदर एक आशावादी दृष्टिकोण था, जो ये मानता था कि कभी ना कभी इस समाज का भी उद्धार अवश्य होगा। भाव और शिल्प की दृष्टि से यदि हम देखें तो इस कविता संग्रह की रचनाएं अपने आप में अद्वितीय हैं। अब और नहीं, कविता संग्रह सामाजिक धरातल पर वंचित समुदाय के साथ होने वाले शोषण, अमानवीय अत्याचारों को वर्तमान संदर्भों में देखने का उपक्रम है। कवि कहते हैं, अब और नहीं, तय करना होगा कहाँ खड़े हो तुम, साईं या धूप में। शब्द छूट नहीं बोलते, कहानी संग्रह सलाम, घुसपैठिए, अम्मा एंड अदर स्टोरीज, छतरी इनकी कहानियों के संग्रह हैं। सलाम में इन्होंने दलित जीवन की यातनापूर्ण स्थितियों के साथ साथ किस प्रकार से समाज में उनके साथ पशुवत आचरण किया जाता है, इसे लिपिबद्ध करने का साहस किया है। डॉक्टर शिव कुमार मिश्र इनकी कहानियों के संबंध में लिखते हैं, वे शक्तियाँ और वे चेहरे भी इस क्रम में बेनकाब हुए हैं। दलित जीवन की इस समूची यात्रा के जो स्रोत और निमित्त रहे हैं, ये बड़ी साफ सुथरी किंतु बेहद बेधक और
मार्मिक कहानियां हैं। घुसपैठी कहानी संग्रह वंचित लोगों की पीड़ा, अंतर्वेदना, प्रताड़ना, संत्रास और बेबसी को रेखांकित करती कहानियों का संग्रह है। नगमा जावेद के अनुसार घुसपैठी दलित जीवन के कसैले यथार्थ बीहर सत्य, अनंत छटपटाहट, असामान्य असाध्य जन्य विवशता से हमें रूबरू कराता है और एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह इस सामाजिक व्यवस्था के सामने हमारी लाकर खड़ा कर देता है, जिसमें हमने इस समाज को विभिन्न वर्गों में विभक्त करने का दुस्साहस किया है, जिसमें ब्राह्मण अपने आप को हमेशा से ऊपर मानते आए हैं और दलितों का मर्दन करना उनका एक खेल हो गया है। उनकी आत्मकथा झूठन सर्वाधिक लोकप्रिय चर्चित चूहड़ा जाति के बालक की कथा है, जिसमें उन्होंने सवर्णों से मिली हुई पीड़ा और परिस्थितियों से अपने संघर्ष को अंकित किया है। भुक्तभोगी होने के कारण इनके द्वारा लिखा गया साहित्य वास्तव में उनकी पीड़ा को अभिव्यक्त कर सका है। आलोचना के क्षेत्र में यदि हम देखें तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र दलित साहित्य की अवधारणा और प्रासंगिकता को स्पष्ट करने के साथ साथ अनेक प्रश्नों को भी हमारे सामने उपस्थित करता है। सफाई देवता दलित साहित्य के अंतर्गत इन्होंने अनुभव, संघर्ष और यथार्थ इत्यादि को सृजित किया है। नाटकों के संदर्भ में दो चेहरे उसे वी चक्र मिला था इनके नाटक हैं। इन्होंने अनुवाद के क्षेत्र में भी हस्तक्षेप किया, जहां इन्होंने सायरन का शहर का मराठी से हिंदी में अनुवाद किया, लोकनाथ यशवंत की मराठी कविताओं का हिंदी में अनुवाद किया, वाई आई एम नॉट हिंदू का इन्होंने क्यों मैं हिंदू नहीं हूँ शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया है। इसके अतिरिक्त हमें ये संपादक के रूप में भी दिखाई देते हैं, जिसमें इन्होंने प्रज्ञा साहित्य पत्रिका और तीसरा पक्ष त्रैमासिक पत्रिका का सफलतापूर्वक संपादन कार्य किया। अन्य उपलब्धियों में यदि हम देखें तो इन्होंने 60 के लगभग नाटकों में अभिनय और निर्देशन किया है। प्रथम हिंदी के दलित लेखक के रूप में ये अध्यक्ष ही नहीं रहे, अपितु इन्होंने अपना परचम भी लहराया है। इन्हें विभिन्न सम्मानों से समय समय पर सम्मानित किया गया, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, परिवेश सम्मान और साहित्य भूषण सम्मान, न्यू इंडिया बुक पुरस्कार, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान न्यूयॉर्क अमेरिका सम्मान, कथाक्रम सम्मान से नवाजा गया। मित्रों, अल्प विराम के उपरांत हम इनकी बहुचर्चित कहानी घुसपैठिए पर आपके समक्ष चर्चा करने के लिए पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर रुचिरा ढेंगरा जी को, जिनके माध्यम से हमने श्री ओम प्रकाश वाल्मीकि जी पर विस्तृत रूप से चर्चा की, उनके जीवन परिचय से आपको अवगत कराया। मित्रों, आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहें, कल्प विराम के उपरांत आप सभी के समूह हम पुनः प्रस्तुत होंगे और इस व्याख्यान को आगे बढ़ाएंगे, जहां हम घुसपैठिए पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, सी सी के इस लाइव व्याख्यान में आप सभी का पुनः स्वागत है। मित्रों, आप सभी अवगत हैं, आज हम चर्चा कर रहे हैं श्री ओम प्रकाश वाल्मीकि जी और उनकी बहुचर्चित किताब जिसका नाम है, कहानी जिसका नाम है घुसपैठिए। मित्रों, अपने पिछले सेशन में हमने श्री ओम प्रकाश वाल्मीकि जी पर चर्चा की, आपको उनसे अवगत करवाया, और इस सेशन में हम कोशिश करेंगे कि घुसपैठिए पर विस्तृत रूप से चर्चा करें। बताना चाहेंगे इस व्याख्यान के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रुचिरा ढींगरा। डॉक्टर रुचिरा ढींगरा एसोसिएट प्रोफेसर हैं शिवाजी कॉलेज के हिंदी विभाग में। मित्रों, अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं टोल फ्री नंबर के माध्यम से। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1104-30। आप सभी मित्रों से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप विषय संबंधी प्रश्न ही पूछें, जिससे कि आपकी जो प्रश्न है उसमें जितनी भी बातें छुपी हुई हैं, हम जानते हैं कि जिज्ञासाएं सदैव उत्पन्न होती हैं, लेकिन अगर विषय संबंधी प्रश्न आप पूछते हैं तो इस लेक्चर की मौलिकता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर रुचिरा ढींगरा का, उनके माध्यम से अब घुसपैठिए इस कहानी पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर ढींगरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गीतिका जी। वंचितों की पीड़ा को अपनी बुलंद आवाज देने के लिए समाज में विख्यात प्रसिद्ध ओम प्रकाश वाल्मीकि जी दलित साहित्य लेखन के अग्रणी साहित्यकार थे। अपने जीवनानुभवों को उन्होंने बड़ी निर्भीकता के साथ अपनी रचनाओं में लिपिबद्ध किया, इसलिए कह सकते हैं कि उनका साहित्य व्यथा कथा का ऐसा खुला दर्पण है जिसके सामने खड़ा होकर व्यक्ति उस समाज की पीड़ाओं को, करुणा को, आक्रांत को अपने आप अनुभव कर सकता है। उच्च जाति दलितों को व्यवस्था में बलात् घुस आए घुसपैठिए के रूप में कालांतर से देखती आ रही है। घुसपैठी कहानी इस विडंबना को पूरी सशक्तता के साथ अभिव्यक्त करती है। दलित लेखन को एक नई दिशा देने वाली यह रचना एक प्रकार से समाज में बदलाव की मांग करती है। माना गया कि आरक्षण के बल पर मेधाहीन व्यक्ति भी उच्च पद पर आसीन हो जाते हैं, किंतु इस कहानी के माध्यम से लेखक ने ये बताने का सफल प्रयास किया है कि कई बार मेधावी छात्र भी उस पद को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं, किंतु समाज फिर भी उन्हें अपने से कमतर देखता है, उनकी उपेक्षा करता है, और इतनी उपेक्षा करता है, इतना उनको मानसिक रूप से पीड़ा देता है कि वो कई बार आत्महत्या करने तक का निर्णय ले लेते हैं। सिस्टम में आने के उपरांत उसका हिस्सा ना बन पाने की असमर्थता को इस कहानी में सुभाष सोनकर के माध्यम से उद्घाटित किया गया है। कहानी बिना किसी पूर्व भूमिका के सामाजिक कार्यकर्ता रमेश चौधरी के फोन से होती है। वो राजेश को फोन करता है और उन्हें बताता है कि किस प्रकार से मेडिकल के एक दलित छात्र सुभाष सोनकर की आत्महत्या की सूचना देने के साथ साथ वो उन्हें ये भी बताता है कि वस्तुतः ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है, किंतु मीडिया वाले और प्रशासन वाले इसे आत्महत्या कहकर प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इससे पूर्व रोहित विमुल्ला, सुजाता और सुनीता की भी हत्याएं हो चुकी थीं। इन हत्याओं को भी प्रशासन ने आत्महत्या कहकर चुप करा दिया था। सुजाता की मृत्यु रैगिंग के कारण हुई थी और सुजाता का टॉयलेट क्लीनर पिलाकर जान ली गई थी, किंतु समाज, प्रशासन और यहाँ तक कि उच्च पदाधिकारी भी इस पर मौन व्रत धारण किए हुए थे।
सुभाष सोनकर इसी प्रकार से जाति पाति के चक्रव्यूह में फंसा मेधावी छात्र था, जो प्राध्यापक, मैनेजमेंट, डीन, प्रिंसिपल के पक्षपातपूर्ण व्यवहार से व्यथित था। यहाँ ये भी स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार से दलितों को मारने, जिंदा जला देने के समाचार समाचार पत्रों की केवल सुर्खियां बनकर रह जाते हैं। शहर गूंगा बना रहता है, उस पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया देने का प्रयास नहीं किया जाता और ये हादसे निरंतर यूं ही होते चलते हैं। जहां एक तरफ सवर्ण का छोटे सा छोटा किया गया कार्य भी सुर्खियां बटोरने लगता है, मीडिया का अपना एक मीडिया का प्रभाव उस पर पड़ने लगता है, मीडिया उसे प्रचारित करने लगता है, वहीं पर दलित समाज द्वारा भोगी जाने वाली, निरंतर भोगी जाने वाली यातनाओं के प्रति किस प्रकार से वो चुप बैठने का दुस्साहस करता है। कहानी का विकास पूर्व दीप्ति शैली में होता है। रमेश चौधरी राकेश को IAS ऑफिसर और दलित वर्ग का होने के कारण निरंतर समय समय पर फोन करता है, उसे मदद मांगने के लिए कहता है और उसे कहता है कि आपने भी तो आरक्षण के माध्यम से ही अपने लिए IAS का पद प्राप्त किया था। इतना ही नहीं, अपने बच्चों के को अच्छे स्कूलों में एडमिशन दिलाने के लिए भी आपने कोटे का सहारा लिया था। फिर अब क्या कारण है कि आप चुप बैठे हैं? आप अपनी पोजीशन का क्यों नहीं इस्तेमाल करते, अपने ही समान वंचित समाज से आने वाले मेधावी छात्रों की सहायता करने के लिए आगे नहीं आते? किंतु विडम्बना है कि राकेश भी चुप रह जाता है, समस्याओं को सुनकर भी अनसुना कर देता है। दलित छात्रों का नेता उसके घर पर मेडिकल के चार मेधावी छात्रों विकास चौधरी, अमरदीप, नितिन और सुभाष सोनकर को लेकर आता है। उसे बताता है कि एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए इन छात्रों ने कितनी मेहनत की थी, कितनी रातों को जाग जाग कर इन्होंने परीक्षा के लिए पढ़ाई की थी और तब इन्होंने मेडिकल में प्रवेश प्राप्त किया था। वो शिक्षा ग्रहण कर डॉक्टर बनना चाहते हैं, किंतु यहाँ पर क्योंकि वो वंचित समाज से हैं, मुख्य धारा से कटे हुए हैं, इसलिए उन्हें निरंतर अपमानित होना पड़ता है। अपनी शिक्षा में आने वाली कठिनाइयों से ये छात्र राकेश चौधरी को अवगत कराते हैं, उन्हें बताते हैं कि उन्हें निरंतर यातनाएं दी जाती हैं, कमरे में बंद कर दिया जाता है, पूरा पूरा दिन मारा जाता है, पीटा जाता है। इतना ही नहीं, हॉस्टल की मेस में भी उनके साथ दुयम व्यवहार किया जाता है। जहां वो बैठकर खाना खाते हैं, वहां से अन्य सवर्ण छात्र उठकर चले जाते हैं। परीक्षा में भी उनके साथ धांधली की जाती है। उन्हें सवर्ण छात्रों से कम अंक देकर ये बताने की कोशिश की जाती है कि चाहे तुम कितने भी मेधावी क्यों ना हो, तुम सवर्णों से एक पायदान नीचे ही रहोगे। सुभाष सोनकर को प्रणव मिश्रा ने इसी प्रकार भरी बस में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए बाल खींचकर मार पीटकर अधमरा कर दिया था। उसका अपराध केवल इतना था कि वो वंचित समाज से संबंध रखता था। ये सब बातें सुनकर राकेश को थोड़ा सा दुख अवश्य होता है और वो स्मृतियों के गलियारे में चला जाता है और उसे अपना छात्र जीवन याद आने लगता है, जब उसने छात्रावास में इसी प्रकार से पीड़ादायक समय व्यतीत किया था। कोई भी सवर्ण छात्र उसके साथ
कमरे में रहने के लिए तैयार नहीं था। जैसे ही साथ वाले व्यक्ति को पता चलता है कि वो सवर्ण नहीं है, वो कमरा बदलने के लिए वार्डन को कह देते हैं। वार्डन भी एक मिनट के लिए चुप रहती है और तत्पश्चात उसकी जाति पूछकर उसे एक अन्य दलित छात्र के साथ रहने के लिए विवश करती है। और जब वो इसका विरोध करता है तब उसे चेतावनी दी जाती है कि अपनी औकात में रहो वरना तुम्हें छात्रावास से बाहर कर दिया जाएगा। आरक्षण को लेकर भी सवर्णों में निरंतर एक प्रकार का आक्रोश दिखाई देता है। इसके पक्ष और विपक्ष में बहुत समय से लोगों ने आवाज़ें उठानी प्रारंभ कर दी थीं। विचारधारा के रूप में यदि हम देखें तो इसका विरोध किसी सीमा तक स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि आरक्षण के कारण सवर्णों के को भी कई बार वो पद नहीं मिल पाता जिसके वो अधिकारी होते हैं। किंतु फिर भी अंबेडकर ने मनुवादी सोच के विरुद्ध जाकर आरक्षण का अवलंब लिया था, जिससे दलितों को भी शिक्षा का समानाधिकार मिले और समाज में वो भी शिक्षा प्राप्त करके आदर के अधिकारी हों। इस आदर को उन्हें भीख में नहीं मिलना चाहिए, वो इसके अधिकारी हैं और इसलिए अधिकार उन्हें छीन कर प्राप्त नहीं करने चाहिए। सुभाष के उत्पीड़न को लेकर डीन से मिलने गए राकेश और रमेश चौधरी को निराशा हाथ लगती है। डीन आरक्षण द्वारा दलित छात्रों के मेडिकल में प्रवेश लेने से शिक्षा के निरंतर गिरते स्तर को ही गाता रहता है और उसका भी ये मानना है कि यदि कोई दलित छात्र मेडिकल में प्रवेश कर लेता है तो यदि कोई सवर्ण उसके साथ थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लेता है तो उसे इतना सब्र होना चाहिए कि वो उस मजाक को सह ले। डीन यह बात मानने के लिए स्वीकार ही नहीं करता कि वो मजाक नहीं होता, वो दूसरे का अपमान करना होता है, दूसरे को अपने से कमतर दिखाना होता है और मारपीट या अभद्र भाषा मजाक के स्तर पर नहीं मानी जा सकती। इतना ही नहीं, इस कहानी में बहुत स्पष्ट रूप से वाल्मीकि जी ने यह भी बताया है कि चतुर्वेदी, चौबे, सिंह इत्यादि जाति सूचक शब्दों से युक्त व्यक्तियों को इस समाज में बहुत मान सम्मान दिया जाता है और ये मान सम्मान देते समय हम ये भूल जाते हैं कि वास्तव में वो व्यक्ति इस सम्मान के योग्य है भी या नहीं। हम केवल उसकी जाति को देखकर उसे वो तमगा पहना देते हैं। इसके विपरीत एक दलित छात्र मेधावी और योग्य होकर भी निरंतर हे दृष्टि का सामना करता है। कितनी विडंबना है कि ये छात्र यदि अपने नाम के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं तब तो उन्हें प्रताड़ित किया ही जाता है, अपमानित किया ही जाता है, किंतु यदि वो उस जाति को ना लगाएं तो भी उन्हें अनिवार्य रूप से दलित वर्ग का मान लिया जाता है और तब तो उनके साथ और अधिक अभद्र व्यवहार किया जाता है। राकेश की पत्नी इंदु भी इसी सामाजिक व्यवस्था के चलते अपने पति को इस समाज के अन्य दलितों से दूर रहने और रैदास सरनेम लगाने का ना आग्रह करती है। वो कहती है कि ये अगर आप सरनेम लगाते हैं तो इससे पता चलता है कि आप भी वंचित समाज से संबंध रखते हैं। इतना ही नहीं, वो ये भी बताती है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि तुम रैदास हो, रैदास तो जूठा काटते थे तो क्या तुम्हारे पिताजी भी जूता बनाते हैं, और ये सुनकर वो बच्चे शर्म से अपनी आंखें नीची कर लेते हैं। इंदु का मानना है कि राकेश को भी रैदास सरनेम बदल कर कोई अच्छा सा सरनेम रख लेना चाहिए जिससे समाज में तथा कथित जो समादर से जिनका नाम लिया जाता है उस
व्यक्ति विशेष उस वर्ग के साथ वो भी सम्मानपूर्वक जिंदगी गुजार सके। उसने लिखा है, यह जो सरनेम लगा रखा है, कितनी बार कहा है कि इसे बदल कर कुछ अच्छा सा सरनेम लगाओ, बच्चे बड़े हो रहे हैं। कल पिंकी की सहेली कह रही थी, रैदास तो जूते बनाता था, तुम लोग भी जूते बनाते हो। वस्तुतः आवश्यकता है कि जाति नामक ये जो कुप्रथा हमारे समाज में निरंतर बढ़ती चली आ रही है, उसका समूल उच्छेदन किया जाए, जिसके कारण एक योग्य व्यक्ति को भी उसकी योग्यता से आका नहीं जाता, उसके सरनेम से उसको पुकारा जाता है, या उसके लिए हम अपने मनों में एक प्रकार की छवि अंकित कर लेते हैं। लेखक ने अपने और अपनी संतानों के लिए आरक्षण का लाभ उठाने वाले ऐसे लोगों पर भी करारा व्यंग किया है, जो उच्च पद पर पहुंचते ही दलित वर्ग उसकी समस्याओं, उसके संतरास, उसकी पीड़ा को भूल जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब उन्हें इन लोगों के साथ अपना संबंध समाप्त कर देना चाहिए। राकेश कहता है, तुम लोगों को सिर्फ बड़े बड़े प्रमोशन चाहिए, वे भी आरक्षण के भरोसे, लेकिन इस कोटे को बचाए रखने के लिए जब कुछ करने की नौबत आती है, तब तो तुम लोगों को ज़रूरी काम निकल आते हैं। कहानी की चरम सीमा सोनकर की पिछली परीक्षा में फेल किए जाने से होती है, क्योंकि उसने प्रणव मिश्रा के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखाने का दुस्साहस किया था। इतना ही नहीं, वो यहीं पर चुप नहीं हो जाता, वो डीन तक शिकायत लेकर जाता है। यहाँ पर जुलूस निकालने की घोषणा का स्थान सोनकर के शव के पोस्टमार्टम होने के पश्चात अंतिम संस्कार की योजना में बदल दिया जाता है। रमेश चौधरी के बार बार सचेत करने पर, बार बार उकसाए जाने पर राकेश ये तय करता है कि वह सोनकर की अंतिम यात्रा में ना केवल जाएगा, अपितु उसे कंधा भी देगा। देखा जाए तो संक्षिप्त, जिज्ञासावर्धक, व्यंग्यात्मक, आरक्षण से शिक्षा जगत में प्रवेश करने वाले जाति विशेष के छात्रों को सवर्ण छात्र, मैनेजमेंट डीन सभी किस प्रकार से घुसपैठिए मानकर उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, इस बात को कहानी का शीर्षक बहुत सुंदर तरीके से रेखांकित करता है। घुसपैठिए का मतलब है जबरन कहीं पर घुस आया व्यक्ति, और ये वो समाज के व्यक्ति हैं जो कहीं जबरन नहीं घुसे, अपनी मेहनत से घुसे हैं, किंतु सवर्ण उन्हें घुसपैठिए मान लेता है। इस कहानी में यदि हम पात्रों की चर्चा करें तो रमेश चौधरी और सुभाष सोनकर मुख्य पात्र हैं, जिनके चारों ओर कहानी घूमती है। राकेश यादव, इंदु, अमरदीप, नितिन इत्यादि गौण पात्र हैं, जो कहानी को विकसित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। सुभाष सोनकर केंद्रीय पात्र है, क्योंकि उसी की आत्महत्या की सूचना से कहानी का प्रारंभ होता है। इतना ही नहीं, उसी के माध्यम से दलित वर्ग की समस्याओं को, उनके शोषण को, उनके प्रति होने वाले पक्षपातपूर्ण व्यवहार को, प्रताड़नाओं को उठाया गया है, और अंत में उसी के कारण राकेश इस बात को स्वीकार करता है कि वो भी दलित समाज से संबंध रखता है, इसलिए उस समाज के उद्धार के लिए उसके भी कुछ कर्तव्य हैं, उसे भी कुछ करना चाहिए, और इसीलिए वह ना केवल अंतिम यात्रा में शामिल होने का निर्णय करता है, अपितु शव को कंधा भी देता है, और इस बात का संकेत करता है कि जितना उसके बस में होगा वो निश्चित रूप से इस वर्ग के लिए करेगा।
सुभाष मेडिकल कॉलेज में आरक्षण के माध्यम से आया एक मेधावी छात्र है। अपनी विद्वत्ता के कारण वो मेडिकल में भर्ती होता है, पढ़ाई करना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, किंतु कमरे में बंद करके उसे निरंतर सवर्ण छात्र ना केवल पीटते हैं अपितु उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। पुलिस वाले भी सवर्णों के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखते और मीडिया भी ड्रैगिंग का नाम देकर उसके साथ हुए अभद्र व्यवहार को चुप करा देते हैं। मीडिया इस बात को यदि चुप ना कराता, उसके प्रति तवज्जो देता, उसको थोड़ा सा भी उभारता तो शायद सुभाष सोनकर बच जाता, उसे उसकी हत्या ना होती और ना ही उसकी हत्या को आत्महत्या कहकर प्रचारित या कह सकते हैं दुष्प्रचारित किया जाता। उसे परीक्षा में इसीलिए फेल किया जाता है क्योंकि उसने अपने साथ हुई घटना को चुपचाप सहन नहीं किया था, जिसकी उससे अपेक्षा की जाती है। उसकी हत्या को आत्महत्या कहकर रफा दफा कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। और ये केवल सुभाष सोनकर के साथ ही नहीं होता, ये हर उस मेधावी छात्र की परिणति है जो सवर्ण के सामने खड़ा होने का साहस करता है, अपने विषय में बोलने की हिम्मत रखता है या समाज में अपने लिए स्थान बनाने का उपक्रम करता है, प्रयास करता है। रमेश चौधरी दलित समाज सेवक है, निर्भीक है, उत्साही है, कर्मठ है। राकेश यादव जैसे अफसरों को उनके कर्तव्यों के प्रति वो सचेत कराता है और उसी के माध्यम से जो पहले जुलूस निकाला जा रहा था वो अंतिम यात्रा में परिणत कर दिया जाता है। वंचित छात्रों को वही राकेश से मिलवाता है, उनकी समस्याओं से अवगत कराता है और डीन के पास लेकर जाता है। आश्वासन ना मिलने पर योजनाबद्ध तरीके से जुलूस निकालने का निर्णय लेता है, पर अंत में उसी स्थान से सोनकर की अंतिम यात्रा निकालने का निर्णय लेता है। संवादों की दृष्टि से यदि हम देखें तो इस कहानी के संवाद कहीं कहीं लंबे हो गए हैं, किंतु व्यंग की मारक शक्ति से युक्त हैं। बहुत ज़रूरी था इस प्रकार के संवादों का चयन करना, क्योंकि जब तक इस प्रकार के संवाद वाल्मीकि जी नहीं लिखते तब तक वो जो मार्मिकता है जो सोनकर के माध्यम से वो व्यक्त करना चाहते थे वो पाठकों तक संप्रेषित नहीं हो सकती थी। देशकाल वातावरण की दृष्टि से यदि हम देखें तो घुसपैठे कहानी मेडिकल कॉलेज में दलित छात्रों पर सवर्णों द्वारा किए जाने वाली बर्बरता को हमारे सामने उद्घाटित करती है। कहानीकार ने जीवन के यथार्थ और आदर्श को उसकी पूरी सजीवता के साथ अपनी इस रचना में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसमें उसने प्रसंगानुकूल, पात्रानुकूल, वातानुकूल भाषा और शैली का अवलंब लिया है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, जिसमें तत्सम शब्दों में घोषित, आत्मसमर्पण, व्यवस्थित इत्यादि को लिया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने सामान्य बोलचाल के शब्दों जैसे मौत, प्रसाद, गूंगा, भराई इत्यादि का भी प्रयोग किया है। उन्होंने अंग्रेजी शब्दों को भी खुलकर इस कहानी में लिया है, जिनमें मेडिकल, फाइनल, होमवर्क शब्दों को हम उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं। उर्दू के शब्दों में परेशानी, तकलीफ, इशारे शब्द हैं। शब्द युग्मों को यदि हम देखें तो खटर पटर, दाएं बाएं, अड़ोसी पड़ोसी इत्यादि शब्द हमें मिलते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति जिनमें खाना हजम कर जाना, गूंगा बना रहना, बलि का बकरा होना, रफा दफा करना, लकवा मार जाना को यथास्थान बहुत सुंदर तरीके से वाल्मीकि जी ने
व्यक्त किया है। कहीं कहीं भावपूर्ण शब्दावली, अनुतान और बलाघात के कारण भाषा को जीवंत बनाया गया है, जैसे भराई आवाज जैसे हजारों मील दूर से आ रही थी। इस प्रकार की भाषा के कारण इस कहानी ने अपने पाठकों के अंदर एक प्रकार की बेचैनी, एक प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न की और पाठक इस कहानी को आद्यंत पढ़ने के लिए अपने आप को विवश अनुभव करने लगा। कहानीकार ने वर्णनात्मक शैली के साथ साथ विश्लेषणात्मक शैली का भी स्थान स्थान पर उपयोग किया है। कहानी यथार्थ के निकट है और स्वयं दलित होने के कारण दूसरे वंचितों की समस्याओं को जानने में वाल्मीकि जी सिद्धहस्त रहे और उन्होंने इस समाज को उसके वास्तविक रूप में हमारे सामने उपस्थित किया है। कह सकते हैं कि घुसपैठिए कहानी इस समाज का पूरा सच्चा आईना हमारे सामने उपस्थित करती है। धन्यवाद। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर रुचिरा ढिंगरा जी को, जिनके माध्यम से हमने आज का यह व्याख्यान यहाँ पूर्ण किया। मित्रों, हम यही चाहेंगे कि अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो या अगर आप इस व्याख्यान संबंधी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो हमें लिख भेज सकते हैं info.cec@nic.in पर। आप सभी मित्रों से पुनः मुलाकात होगी, दोबारा मिलेंगे और एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद रुचिरा जी आपका।